जय श्री कृष्ण। आप सभी ने महाभारत तो अवश्य ही देखी होगी। आज हम आपको महाभारत का एक किस्सा बताने जा रहे हैं। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में से बुद्धिमान कौन है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के चार कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में चार कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे पक्षियों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि तीन कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा सा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास वापस आ जाता है। दरबान पूछता है, क्या आपने देखा? भीम कहता है, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे। ऐसे पक्षी तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और भीम को बंदी गृह में डाल दिया। फिर अर्जुन आया, उसने कहा मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है कि एक खेत में दो फसल उग रही थी, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी तथा मक्के के पौधे से बाजरा निकल रही थी। उसे बहुत अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार अब आप बंदी हैं। फिर नकुल आया, उसने भी कहा मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। फिर उसे भी बंदी बना लिया गया। फिर सहदेव आया, बोला मुझे भी महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया अंतिम कोना देखने के लिए। हाँ, क्या देखता है कि एक सोने की बड़ी सी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। उसे समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला समझ नहीं आई, तब वह अभी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया, वो शर्त अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तो दरबान ने भीम को छोड़ दिया। फिर अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याह ही जाएगी। अर्जुन को भी छोड़ दिया गया।
फिर नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। नकुल को भी छोड़ दिया गया। फिर सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। जय श्री कृष्ण। यदि ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे और लोगों तक पहुँचाएं।